हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। फिर से एक वीडियो नई लेके आ चुका हूं आपके सामने। और आज है अपना जो है 8 मार्च 2023, मॉर्निंग का टाइम है, 7:50 हो रखे हैं और मैं भी अपने होम टाउन में हूं और मैं अभी आया हूं अपने खेतों की तरफ। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा और रात का मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कि हमारे यहाँ जो होली दहन होता है वो कैसे होता है। तो उसका प्रॉपर वीडियो मेरे पास है, 1 मिनट की वीडियो है जो मतलब वो जला था, तो उसका मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ और बाकी की खेतों का मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे यहाँ मतलब क्या क्या फसल। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये अपना गेहूँ की खेती है जो अपने ही खेत में गेहूँ लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है अपना, और बाकी की यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना खीरे की तैयारी हो रही है। तो ये भी अपना ही खेत है, यहाँ पे देख सकते हैं खीरा। और ये आपको थोड़ी ये जो पास पास दिख जाएगी, ये अपनी प्याज की खेती हो रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जहाँ तक आपको ये दिख रहा है, ये घर सा बना हुआ दिख रहा है, ये अपना जो भुसका कोठा बना रखा है, मतलब भुसका कमरा बना रखा है, ये अपना ही खेत है। यहाँ से लेके और यहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक के लिए अपने खेत हैं। और ये बाकी की अपने चाचा का खेत है जिसमें अभी बंगा सरसों जो बोलते हैं, जिसका हम ऑयल सरसों ऑयल यूज करते हैं, वो अपना जो है इससे निकलता है। और वो अपना जो है अभी ये पक चुकी है, अभी ये कट रही है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से कटती है। फिर उसके बाद में इसमें से अपना जो है मशीन से निकलवा के और उसका फिर ऑयल निकलवा के लाते हैं मार्केट में, जो मशीनें लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना जो है कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। और बाकी की यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, कितना नो पोल्यूशन है यहाँ पे। और ये सामने से अपना जो है ये पूरब दिशा है जहाँ से अपना जो है चंदा निकला हुआ है। और अपना यहाँ पे देख सकते हैं पूरी हरियाली है अपना, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दूर दूर तक अपने गेहूँ और वो आपको दिख जाएंगे, सरसों और अपना जो है बरसिम, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। और भी अगर कुछ होगा दिन में, कुछ स्पेशल होगा होली के दिन, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज फिर जैसे ही कल मैं मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचूंगा, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे, वहाँ का ओवरव्यू मैं दे दूंगा, क्योंकि कल मेरा वर्किंग डे है, छुट्टी सिर्फ एक ही दिन की है आज की। तो आज अपना जो है वेनसडे का दिन है, फिर थर्सडे फ्राइडे ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे फिर अपनी छुट्टी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बरसिम है जो कि ये भैंसों के लिए यूज होती है, जो घर में पशु होते हैं उनको खिलाई जाती है। और अगेन इसमें जो ये लगी हुई है, ये सिर्फ बंगा है फिर से जो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बंगा की खेती भी काफ़ी अच्छी होती है और गेहूं की खेती हमारे यहाँ होती है, और उसके बाद में खीरे की भी खेती हमारे यहाँ अच्छी ठीक ठाक होती है, गन्ने की भी होती है, बट गन्ना ऑलमोस्ट कट चुका है। देख सकते हैं ये अपनी आलू की खेती है जो कि पूरे पक चुके हैं, अब ये होली के बाद अपना जो है निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनको खीरे बोने थे उन्होंने अपने निकाल लिए हैं, जैसे मैंने खीरे का खेत दिखाया, पहले हमारे उसमें आलू थे तो निकाल लिए हैं, सामने वाले में भी आलू थे क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था जब मैंने देखे थे, और अभी इनमें जो है आलू निकाल के वो सेल कर दिया है मंडी में। और यहाँ पर अपना जो है खीरे की तैयारी हो चुकी है। और ये अपना दोस्तों एक जई आपको दिखती है, इसमें भी मतलब अगर निकालेंगे तो ये भी गेहूं की तरह और उसकी तरह निकलेगी, बट ये भैंसों को खिलाई जाती है, ये पक भी जाती है, इसको मशीन से निकलवा भी सकते हैं, बट ये इसलिए खिलाई जाती है क्योंकि इसमें पावरफुल होती है ये जो जई होती है अपनी। और बाकी की ओवरव्यू आपको ये दिख रही होंगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ अपना जो है घर से बने हुए दिख रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में है क्या, ये भूसा भरने के लिए, जैसे मैंने अपना वो रूम दिखाया था आपको, भूसा भरने के लिए ये अपना जो भूसा स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, अभी जो अप्रैल में जो गेहूं कटेंगे उसका भूसा इसमें स्टोर किया जाता है, और ये पूरी साल के लिए फिर इसमें से निकाल कर ले जाते रहते हैं। और बहुत सी जगह अभी जैसे हमने कमरा बनवा दिया है क्योंकि ये गल जाते हैं, अब बारिश पड़ती है और वैसे भी नीचे से दीमक वगैरह खाती है तो गल जाते हैं, उसकी वजह से पक्का कमरा आजकल बनवाने लगे हैं। और ये अपना दोस्तों जो खाई होती हैं रोड के किनारे, वो ये है कुछ इस तरीके से, इसमें कुछ यूज नहीं होता है, ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं खाई, यहाँ पे देख सकते हैं सड़क के किनारे भी। और बाकी की ये अपना गाँव है, सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा बैठने के लिए, वो अपना है यहाँ पे जो बस स्टैंड है। और बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बाहर का ओवरव्यू है। तो चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं, जैसा भी रहेगा आपको जो है प्रॉपर ओवरव्यू आपको देंगे इसमें। आज भी कहीं
फ्रेंड्स अभी होली शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरे भी कुछ कलर ये गुलाल लगा दिया है और मैं भी अभी जाऊंगा थोड़ी देर में और अपने जो भी मतलब फैमिली में और गांव में दो चार लोगों को लगा के आऊंगा और जैसा भी रहेगा। और अगर होली उसका तो मतलब कलर वलर का तो अभी नहीं है कोई भी सीन, कलर वलर नहीं, आजकल ज़्यादातर गुलाल ही यूज होता है जो कि ईजीली जब आप नहाओगे तो ये क्या हट भी जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा मतलब ये भी हो गया है मेरा, जो टी शर्ट भी हो गया। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और लोगों का जिनके साथ जाएंगे और फिर जैसा भी रहेगा वो आपको हम दिखा देंगे। और बहुत ज़्यादा अभी चहल पहल नहीं है क्योंकि अभी जो टाइम हो रखा है वो 10:30 के आसपास हो रखे हैं, 11-12 बजे के आसपास थोड़ी मतलब लगेगा कि हाँ होली का मौसम है। वैसे तो दिख रहा है बच्चे वगैरह तो अपना जो खेल रहे हैं होली वोली, तो थोड़ा सा ओवरव्यू में जरूर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं पहुंच चुका हूं अपना गुड़गांव में और आज जो है 9 मार्च 2022 है और अभी मैं गाड़ी से ही ऑफिस जा रहा हूं क्योंकि मेरे को कुछ सामान देना था किसी को जो कि स्कूटी पे मैं रख नहीं सकता था, फिर मेरे को ऑफिस में लेके जाना पड़ता, इसलिए मैं गाड़ी से जा रहा हूं। और अभी ऑफिस के लिए 9:44 हो रखे हैं और आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 9:25 पे निकला था, 9:45 हो रखे हैं। तो आज मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं शाम में निकलेंगे, जैसा भी रहेगा ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। और मैं घर से आज ही आया और मैं 2.5 घंटे में अपना आ भी गया, ट्रैफिक नहीं था। तो मैं 8:06 पे चला था 6 बजे और मैं 8:30 बजे यहाँ गुड़गांव पहुँच गया हूँ और आज ऑफिस है मेरा आज और कल, फिर उसके बाद 2 दिन का फिर से ऑफ है। तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, छुट्टी थी नहीं, सो दैट कि मैं 1-2 दिन और रुक जाता, अगर 2 दिन का मिल जाता तो फिर मैं मतलब 2 दिन और हो जाते, तो ऐसा भी नहीं था। फिर वाइफ का भी वर्किंग था तो इसलिए मैंने फिर मतलब ज़्यादा वो किया नहीं कि छोड़ो, जब दोनों का वर्किंग है तो फिर छुट्टी मतलब थोड़ा सा वो रहता है, मतलब गाँव में वो मतलब फ्रिक्वेंटली काम हो भी नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं कि चलो ऑफिस ही चलते हैं। तो अभी फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, घर से मैं निकल के 8:30 बजे आया था, नहा धो के फिर अपना जो है फाइनली मैं अपना जो रेडी वगैरह होके और अभी ऑफिस जस्ट पहुंचने वाला हूं। ये अपना पार्किंग के लिए रास्ता है, राजीव चौक से मैं लेफ्ट लेके पार्किंग मतलब अपनी जा सकता हूं। तो ये देख सकते हैं मेरे में तो स्टिकर लगा हुआ है, नहीं तो ये अपना पार्किंग चार्ज करता है और आगे जाके अपनी पार्किंग रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर रहेगी कैसे रहेगी। और ये कुछ इस तरीके से रास्ता है, बाइक की पार्किंग फ्रंट से भी लेके जा सकते हो और आगे से भी, मतलब बैक से भी और फ्रंट से भी, और बट गाड़ी का सिर्फ यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट है गाड़ी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं आज मौसम भी थोड़ा सा मतलब खराब टाइप का हो रखा है, मतलब घटा हो रखी है और धूप बहुत हल्की है, कभी कभी निकल रही है, अदरवाइज कंटिन्यूसली नहीं निकल रही है। तो ये ऑलमोस्ट ये भी अपनी पार्किंग है, यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ बट मैं अपने ऑफिस के जस्ट पास में लगाऊंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे कट लेके और अपना ये सामने अपने ऑफिस की पार्किंग अपने को दिख रही है। तो मैं इसके SUV के बराबर में गाड़ी लगा देता हूँ, इधर भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपकी मर्जी है वहाँ लगा सकते हैं। तो मैं इधर लगा देता हूँ अपना बैक करके फ्रंट पे और यहाँ पे ये जो आपको बाइक दिख रही है यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी लगाता हूँ। तो फाइनली मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ इसको जो है बैक करके लगाऊंगा, सो दैट कि इवनिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी निकालने में और अपना जो है फ्रंट से भी गाड़ी दिखती रहेगी। और ये कुछ एक बार और मेरे को करनी पड़ेगी क्योंकि पीछे गाड़ी यहाँ रखी है। तो अपना जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं इसको बैक में ले लेता हूँ अपना जो, अब अपना सही आ जाएगी ये अपनी। फाइनली दोस्तों ऑलमोस्ट गाड़ी लग चुकी है, थोड़ा सा और मैं सटाके लगा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर जा रही है, तो फिर मैं भी नहीं चाहता कि इतनी दूर रहे। अब ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरे में मेरे को ईजिली दिख जाता है और पीछे इसमें सेंसर भी है, पार्किंग सेंसर, तो वो अपने को पता लग जाएगा अगर कुछ होगा तो। तो दोस्तों ये था सारा ओवरव्यू, बाकी के दिन में जैसा भी होगा मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मैं ऑफिस चलता हूँ क्योंकि 9:48 हो चुके हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो काम भी आज निपटाना है, फिर बताते हैं जैसे। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपना ऑफिस से निकल चुका हूं और यहां पे खड़ा हुआ हूं पार्क सेंट्रा सेक्टर 31 में, मैं आपको दिखा लेता हूं। ये पार्क सेंट्रा है अपना जो है और मैं यहां पे खड़ा हूं, दोस्त का वेट कर रहा हूं, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और उसको मेरे को कुछ सामान देना था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और अभी अप्रोक्सीमेटली टाइम जो हो रखा है वो 7:20 के आसपास हो रखे हैं,
मैं ऑफिस से टाइम से ही निकल गया था, बट उसका था कि 7 बजे के बाद ही निकलेगा, तो उसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में वो आने वाला है, फिर अपना निकलेंगे। और आज अपना क्या है कि थर्सडे का दिन है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम है उसकी वजह से कि आज क्या फेस्टिवल का डे है, फेस्टिवल के बाद में मतलब थर्सडे फ्राइडे है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा कम दिखेगा। ये देख सकते हैं मतलब मूवमेंट वाला ट्रैफिक है, आज जाम वाला ट्रैफिक नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं फिर आपको मेरे रास्ते में मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, रेड लाइट पे थोड़ा बहुत मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज लोग बहुत कम ऑफिस में आए हैं। हमारा भी ऑफिस खाली सा ही दिख रहा था आज। और ये सामने अपना पार्क सेंटर है, इधर अपना जो है स्टार मॉल है, ये आप देख सकते हैं स्टार मॉल आपको दिख रहा है, सेक्टर 31 में पड़ता है। और मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ जस्ट गूगल की बिल्डिंग के यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो है। तो दोस्तों चलते हैं फिर, जैसा भी रहेगा ओवरव्यू आप। फ्रेंड्स मैं अपना निकल चुका हूँ और यहाँ पे आ चुका हूँ अपना जो है अंडर पास में, जो कटारिया चौक का अंडर पास है। अभी तक तो मेरे को ट्रैफिक कोई खास नहीं मिला है, मतलब रेड लाइट पे ही था, पीछे ग्रीन हो रखी थी तो मैं इजीली निकल गया। अब अगर मिलेगा तो आगे रेड लाइट पे मिलेगा, जो CRPF वाली कैंप वाली रेड लाइट है उस पे मिला तो मिला, नहीं तो फिर हल्का सा मिलेगा माता मंदिर पे, थोड़ा सा माता मंदिर के सामने, क्योंकि वहां पे क्या है श्रद्धालु आते रहते हैं तो गाड़ी बाहर ही लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ, अगर कुछ रहेगा तो, नहीं तो फिर घर पहुंच के ही वीडियो को एंड करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है आज और मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का दिन है और आज का जो वो है 11 मार्च 2022, मतलब वो है ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वाइफ अभी नहाने गई है और कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े थे, कल मोस्टली धो दिए थे पिछले दो हफ्ते के, कुछ थोड़े से बचे हुए हैं जो कि अभी मतलब वैसे ही धोने, मशीन में नहीं डाले हैं, ये तो अपने आप धुलते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक धुलते रहते हैं, वॉश होकर सारा फाइनल ही निकलता है। तो अभी क्या है, ब्रेकफास्ट करेंगे, जैसा भी रहेगा वो नई वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए। और दोस्तों ये था सारा ओवरव्यू, बाकी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।